न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर सतना से। चित्रकूट में श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार बस सामने से आ रही बुलेरो से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हो गए हैं। हादसे में बस खाई में जा गिरी है जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। बस में सवार ज्यादातर लोग अमावस्या मेले के मौके पर मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए आए थे। बस चित्रकूट से प्रयागराज जा रही थी। सोमवार शाम करीब 4:30 बजे एक प्राइवेट बस सवारियों को लेकर चित्रकूट से प्रयागराज जा रही थी, जहां खो रेलवे क्रॉसिंग के आगे बघौड़ा के पास झांसी मिर्जापुर हाईवे 75 पर सामने से तेज रफ्तार बुलेरो आ गई, जिसे बचाने में बस बेकाबू हो गई। बुलेरो को टक्कर मारते हुए बस पलट कर खाई में जा गिरी। हादसे में घायल 12 यात्रियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक्सीडेंट में बुलेरो ड्राइवर रामाशंकर चौबे और बस के कंडक्टर सत्यनारायण की भी मौत हो गई है। हादसे के बाद घायल यात्री लवलेश कुमार ने बताया कि बस प्राइवेट थी। हम लोग पूजन के बाद चित्रकूट से प्रयागराज के लिए लौट रहे थे, अचानक बुलेरो रॉन्ग साइड से आ गई जिसकी वजह से जोरदार टक्कर हो गई। हम लोग कुछ समझ पाते इसके पहले ही बस खाई में जाकर गिरी। इतनी तेज आवाज हुई कि थोड़ी देर के लिए तो कुछ सुनाई देना ही बंद कर दिया और फिर चीख पुकार की आवाजों से होश आया। हमें गांव के ही कुछ लोगों ने बाहर निकाला। वहीं हादसे में पप्पू खान पूरी तरह से घायल हो गए हैं। वो अपने भतीजे की शादी का सामान खरीदने के लिए चित्रकूट पहुंचे थे। 5 जून को घर में शादी है, वो अपने घर रिहुटिया गांव लौट रहे थे। वहीं हादसे के बाद चित्रकूट डीएम सुभ्रान कुमार शुक्ला जिला अस्पताल घायलों के हाल जानने के लिए पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि ज्यादा गंभीर मरीजों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट बस को लेकर छानबीन की जा रही है।